हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू ब्लॉग पे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। तो यार अभी मैं नहा धो के एकदम बाहर निकल चुका हूँ। तो यहाँ पे बैठा था मैं अभी तक, तो धूप बिल्कुल आ चुकी है। तो टाइम बताऊँ तो 10:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं नहा के आया था, तो यहाँ पे बाहर धूप पे बैठा था। तो अभी मुझे खेत पे बुलाया है क्योंकि पापा वगैरह सुबह ही चले गए थे खेत के लिए। तो अभी धूप लग चुकी है तो उन्होंने पानी मंगाया है, तो मैं पानी लेके उनके पास यार खेत को जाता हूँ। पहले अंदर जाऊँगा, बोतल लाऊँगा, तो उसके बाद उनको पानी ले जाते यार ऊपर खेत के लिए। A few moments later निकल चुका हूँ घर से। तो ये देख सकते हैं पानी की बोतल मैंने ले ली है। तभी मैं जा रहा हूँ खेत की ओर, तभी जाते यार आगे। तो अभी बताऊँ तो गर्मी तो आजकल थोड़ी बहुत हो रही है यहाँ पे भी। तो आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे जो बताऊँ पहाड़ों में ज़्यादा गर्मियाँ नहीं होती हैं, तो ये थोड़ी बहुत ही गर्मी है। तो सुबह यहाँ पे थोड़ी ठंड रहती है। तो सभी जो लोग हैं सुबह जल्दी उठ के खेत पे जाते हैं काम करने के लिए, जब तक धूप नहीं लग जाती है 10-11 बजे तक खेत में काम करते हैं। तो उसके बाद है वापस घर आ जाते हैं। तो अभी मैं पापा वगैरह को पानी ले जा रहा हूँ ऊपर। तो 2-3 और भी भाभी वगैरह भी जो खेत पर काम करने के लिए आई है, तो पहले जल्दी से उनके पास जाते हैं। 5 minutes later फाइनली मैं खेत में पहुंच चुका हूं। तो पीछे देख सकते हैं, पीछे जो दिख रहा है वो काम कर रहे हैं यहां पे, पापा वगैरह भी भाभी वगैरह भी हैं। तो यार पहले इनको पानी दे के आ जाता हूं मैं, क्योंकि पापा के सामने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूं। तो चलिए पहले पानी दे जाते हैं। पानी दे के पापा वगैरह को नीचे आ गया हूँ घर के लिए। तो घर की ओर जा रहे हैं। तो यार मेरा दोस्त भी आगे देख सकते हैं आगे, ये तो ये कल आया था मनाली। इतनी खुशी मुझे। तभी अभी पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है गजब बेइज्जती है। मैं तो बस यहाँ पे नेट चलाने निकला था। तो अच्छा नेट चलाने, रुक जा थोड़ी देर। तो यार हमारे जो बताऊँ तो यहाँ पे नेट सही नहीं होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है नेट चलाने के लिए। तो अभी ये भी जा रहा है। तो कल आया था हम, कल रात तक यार देर तक कहीं पे बैठे थे नेट चलाने के लिए। 12 बजे वापिस आए घर को, आग जलाया था वहाँ पे। तो अभी फिर नेट चलाने जा रहे हैं, शायद मुझे भी जाना पड़ेगा इसके साथ। तो भाई अभी देखते क्या। 5 minutes later अभी हम नेट चलाने के लिए निकल गए हैं। तो मैं घर से नेट चलाने के लिए निकला था, तो हमारे थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कल शाम को माई को भी बोला था कि हम सुबह नेटवर्क चलाने के लिए निकलेंगे, तो इसीलिए माई भी आ रहा है पीछे से और मैं भी। तो आप अभी देख ही सकते हैं हम घर से बहुत दूर निकल चुके हैं। नेटवर्क की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेटवर्क चलाने के लिए हमारे को कम से कम अपने घर से, अरे कहना क्या चाहते हो, 20 मिनट का रास्ता है, तो दूर आना पड़ता है। तो यहाँ पे नेटवर्क फिर आता है। ये तो आपको पता ही है कि गाँव में नेटवर्क मतलब कि हमारा गाँव ही ऐसा मतलब वो है, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है। तो इसीलिए यहाँ पे टावर वगैरह बहुत दूर दूर लगे हैं नेटवर्क के, इसीलिए तो हमें अपने घर से बहुत दूर आना पड़ता है नेटवर्क चलाने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ से शायद आपको माही का घर दिख रहा होगा, बहुत पीछे है। चलो गाइस बाय बाय, अब माही खुद ब्लॉगिंग करेगा। अच्छा हमको सिखा रहा है कि रेंज में पहुँच चुके हैं। तो ये देख फोन छेड़ने लग चुका है नेटवर्क में पहुँचते ही। तो इस साइड जो है टावर वगैरह लगे हैं इन चोटियों के पीछे, और हमारा घर है जो इस साइड को पड़ता है। तो ये हम नेटवर्क के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। तो ये नेटवर्क की रेंज में तो पहुँच चुके हैं हम। तो फिलहाल अभी यार नेट चलाते हैं, तो अभी देखते हैं कितनी देर के बाद जाएंगे। तो ये टाइम बताऊँ तो 11 बज चुके हैं, और मौसम बताऊँ तो मौसम देख सकते हैं थोड़ा सा ख़राब है। पहले गर्मी हो रही थी, तो गर्मी यहाँ पर बताऊँ तो गर्मी ज़्यादा नहीं होती यहाँ पर। तो सुबह टेम्परेचर बताऊँ तो सुबह 5 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो आज अभी जो है वही 7 डिग्री टेम्परेचर है, 7 डिग्री टेम्परेचर है, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है। तो गर्मी में एकदम बढ़िया मौसम रहता है, अगर 12, 13 या 15 तक पहुंच गया तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पे, हमें बहुत गर्मी लग जाती है। तो आपके तो पता नहीं कितना टेम्परेचर होता है, तो कितना टेम्परेचर होता है आपके उधर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फिलहाल यार हम यहाँ पे थोड़ा नेट का इन्जॉय करते हैं बैठ के। 2000 years later फाइनली गाइस अभी हम घर जा रहे हैं। तो टाइम बताऊँ तो 1 बज रहा है। तो भाई इसके साथ अभी तक मैं बैठा था वहाँ पे, तो अभी हम घर जा रहे हैं। अभी खाना खुना खाएंगे यार, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वही दोस्त की वजह से, इसकी वजह से। यार ये बहुत दिनों के बाद आता है, तो मैंने सुबह थोड़ा बैठ जाते हैं, क्योंकि ये कल जाने वाला है फिर अपने
अपने होटल के लिए नीचे जहाँ पे एक काम करता है मनाली में बांध रह गए। तो आज हम पूरी मस्ती करके अभी निकल रहे हैं यहाँ से, तो शाम को भी आएंगे हम 5-6 बजे आते हैं 7 बजे। तो भी हम घर जा रहे हैं, पहले खाना खुना खाएंगे यार, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनते हैं। अभी जाएंगे थोड़ी देर के बाद, उसके बाद थोड़ा जंगल भी जाएंगे हम। तो पहले यार घर जाते हैं, भूख भी लग रही है अभी, उसको भी भूख लग रही है। तो पहले यार घर जाता हूँ मैं, जल्दी से कुछ खा लेता हूँ। तो चलिए। A few moments later मैं पहुँच चुका हूँ घर पे। तो ये देखते हैं घर पे पहुँच चुका हूँ मैं अभी। तो ये अंदर जाते हैं यार, कुछ खा लेते हैं, हालत बहुत ख़राब हुई। तो वो फिर जो है वो अपने घर चले गया, तो बोला मैं बाद में आऊँगा, फिर जंगल जाना है बोला। तो पहले यार मैं भी अंदर जाता हूँ अभी कुछ खाने के लिए, देखते क्या बनाया है। तो पहले कुछ खा लेते हैं यार, उसके बाद देखते क्या करना है। 2000 years later गाइस, हम यहाँ पे भाई के घर में लूडो खेलने आए। ये अमृतु है, छोटी छोटी बच्चू। तो ये देखते यहाँ पे लूडो खेल रहे अभी हम। तो 10 रुपये की एंट्री लगाई है, अभी देखते आज जीतते कि नहीं जीतते। अभी अभी मेरे को तो सभी पैक करके रखे, मेरे दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये देख सकते हरे वाला बिल्कुल पैक है, ये मैं हूँ। अभी तक मेरी चाल ही नहीं आई, तो अभी खेलते यार लूडो, देखते अभी 10 रुपये जीतते हैं कि हारते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चार लोग बैठे यहाँ पे, तो ये पहले गेम खेलते थोड़ा सा। 5 minutes later तो अभी मैं लूडो खेल के एकदम निकल चुका हूँ बाहर। अभी थोड़ा जंगल की ओर जाता हूँ, तो जैकेट व्यूकेट डाल दिया क्योंकि थोड़ा मौसम ख़राब हो गया है। तो शाम के टाइम जो है ठंड रहती है, तो इसलिए थोड़ा जैकेट लगाना पड़ता है गर्मियों में भी। तो ये फिलहाल मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर, देखते हैं जो दोस्त था फिरोज वो जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं तो उतने में घूम फिर के आता हूँ, उतने में ऐसे ही थोड़ा टहल के। घर में भी आज पूरा दिन ऐसे ही आज कुछ काम नहीं था, बस लूडो खेलने बैठ के, उसमें भी जीते नहीं हार गए। तो ये फिलहाल मैं जंगल जाता हूँ, देखते यार जो दोस्त है मिलने वाला है कि नहीं है वो अभी। तो ये चलते यार पहले जंगल की ओर। मैं मनोज के घर के पास पहुंच गया हूँ। तो ये उसका घर है, तो इसको मैंने आवाज़ लगा दिए, तो अभी देखते हैं आने वाला है। तो बोल रहा है मैं आ रहा हूँ, तो ये वेट करता हूँ मैं उसका आने का। 5 minutes later तो अभी आ गया ये जो देखते हैं अभी। तो ये चलते यार जंगल की ओर अब। तो ये 6 बजने वाले है, तो इसको मैंने आवाज़ लगा के बुलाया, मैंने बोला चलते भी। तो मैं यार थोड़ा बिज़ी हो गया घर में, तो भाई वगैरह सभी लूडो खेल रहे थे, तो मैं भी लूडो खेलने में बिज़ी हो गया। तो इसने तो पहले बोला था कि जल्दी जाने वाले हम। तो ये अभी अभी जाते हैं जंगल की ओर। 2000 years later पहुँच चुके हैं जंगल में। थोड़ा ये देख सकते हैं जंगल, थोड़ा ऐसे टहलने के लिए आए थे। तो ये इसने बोला था कि यार थोड़ा बोर हो गए हम मनाली में रह के एकदम गाड़ी वाड़ी के शोर से, तभी थोड़ा जंगल में जाएंगे, थोड़ा सा शांति से बैठेंगे। तो अभी हम जंगल में पहुंच चुके हैं, अभी कहीं पे बैठेंगे अभी, और थोड़ा घास भी ले जा के जाएंगे। इतना जंगल में आ गए तो घास पत्ती भी थोड़ा लेके जाएंगे हम, तो हथियार भी लाए थे हमने। जो हथियार मतलब घास काटने के लिए हथियार लाए थे, अभी घास भी काटेंगे और थोड़ा आराम करें यहाँ पे। तो इसने बोला यार मनाली में थोड़ा ऐसे ही थोड़ा बोर जैसा हो गया था, तो शांति से थोड़ा टाइम बताना चाहता हूँ। तो एक ही दिन है आज इसका, तो कल ये जाने वाला है। तो भी मैं आज पूरा दिन इसके साथ है, पूरा दिन आज घूम रहे थे। तो थोड़ी देर तो सुबह से निकले थे, फिर हम दिन को वापस आए थे। तो अभी निकले, फिर अभी जंगल में आए। अभी पता नहीं कितने बजे जाएंगे यहाँ से, तो अभी 6 बज चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करते, थोड़ा बैठ जाते हैं, और थोड़ा उसके बाद घास पत्ती लेके जाएंगे, उसके बाद चलेंगे घर की ओर। तो यार चलिए तो थोड़ा चिल करते थोड़ा यार। 2000 years later फाइनली गाइस, अभी हम घर जा रहे हैं। तो घास भी देख सकते पीछे लेके जा रहे हैं घर की ओर, तो ये दोस्त उठा के ले जा रही है। तो ये वहाँ पे यार 1 घंटे तक हम ऐसे ही जंगल में थोड़ा बैठते रहे, और थोड़ा ऐसे ही टहलते रहे इधर उधर। शांति में बहुत अच्छा लगता है जो जंगल में बैठना, एकदम बढ़िया से ठंडी ठंडी हवा, और मौसम भी ठंडा हो रहा है। आजकल बताऊँ तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो हमारे इतनी गर्मी नहीं है, फिर भी यहाँ पे जो है पेड़ों की छाँव में बैठ के जंगल में जाके एकदम बढ़िया से ठंडी हवा आती है, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। तो अभी टाइम बताऊँ तो आज 7 बजने वाले हैं, तो अभी हम घर जा रहे हैं। तो उसके बाद फ़ोन को चार्ज लगाएंगे, तो देखते हैं शाम को फिर शायद नेट चलाने जाए गेम वहाँ पे।
देखते अभी क्या प्रोग्राम बनता है घर जाके। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं घर में, देख सकते घर पे पहुंच चुका हूं मैं भी। तो ये देखते हैं पूजा है तो घर के लिए आ चुकी है अभी, पता नहीं खाना बनाया हुआ है इसने, गजब बेइज्जती है। नहीं बनाया, चलो यार अभी फोन को चार्ज में लगा के रखते हैं। A few moments later. Finally, अपना फ़ोन भी चार्ज हो चुका है तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि जो फ्रेंड है वो बाहर मेरा वेट कर रहा है, तो मैं अभी उसके पास जाता हूँ पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इनके पास पहुँच चुका हूँ, तो ये यहाँ पे बैठा है। तो अभी जाने का प्लान बन रहा है कि नेट चलाने जाना है अभी रात को, तो अभी डेली जाते हैं कभी कभी जब नेट चलाने के लिए जाते हैं। तो ये अंधेरा बहुत हुआ है यार, फ़ोन के कैमरे से बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, तो अभी चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं नेटवर्क की जगह में और हमने यहाँ पे वॉन फायर कर दी है, तो देख सकते हैं वॉन फायर तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई बैठने का। तो अभी तो चांद तो नहीं दिख रहा है, आसमान पे तारे भी नहीं है, तो मौसम थोड़ा ख़राब है, तो ये वॉन फायर तो कर दिए है। तो नेट चलाने के लिए हमें रात को अगर चलाना है तो ऐसे ही आना पड़ता है, घर में बहुत स्लो चलता है, तो मैं रात को वीडियो को अपलोड पर लगा देता हूँ तो सुबह तक वो अपलोड हो जाती है, तभी घर पर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर अभी नेटवर्क सही है, अभी थोड़ा वीडियो को भी एडिट करूँगा और यहाँ पे भी थोड़ा इन्जॉय भी करेंगे हम बैठ के, तो बहुत अच्छा लगता है यार इस तरह से बैठ के रात को एकदम बॉनफायर करके, वो भी साइड सी जगह पे, कोई यहाँ पे कोई नहीं है हम दो के अलावा। बस अभी थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं और थोड़ा इन्जॉय करते हैं। अभी टाइम बताऊँ यार तो अभी 9 बज चुके हैं, तो अभी 9 बजे हम यहाँ पर पहुँच चुके थे और बॉनफायर वगैरह कर दिए। तो ये नेट नोट चलाते तो काफ़ी लोग आते हैं, तो गाँव में अभी जो सभी है काम करने के लिए निकल गए घर से बाहर, तो ये आया था आज घर के लिए आज। तो ये हम थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इन्जॉय करेंगे, तो कल ये भी जाने वाला है मनाली के लिए वापस। तो यार जो भी अगर मनाली घूमने के शौकीन है, मतलब मनाली के लिए ले लद्दाख वो उस तरह मनाली साइड घूमने का शौक़ रखते हैं, तो ये वहाँ पे होटल्स में रहता है तो वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, तो उसका लिंक मैं डाल दूँगा इस कॉन्टैक्ट करना अगर मनाली आना हो आपको या कहीं पे भी घूमना हो हिमाचल पे, तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम की लिंक और इसकी भी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो प्लीज़ जाके यार डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लेना एक बार। तो चलिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के थोड़ा इंटरनेट को और थोड़ा सा वीडियो के पार्ट को एडिट करता हूँ मैं। 2000 years later. एरिया में है। तो फाइनल गाइस अभी हम वापस जा रहे घर, तो रात के यहाँ पे 11:30 हो चुके हैं। तो इसको जो यार एक कॉल आने वाला था इसके होटल से इसके मैनेजर का, क्योंकि इसने कल वापस जाना है मनाली के लिए, तभी हम इतनी देर तक रुके यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे आग भी जलाया था, तो भी रात बहुत हो चुकी है यार, तो भी वापस घर चलते हैं जल्दी से जल्दी। तो इसका कॉल तो आ गया है, तो हम चलते यार घर की ओर, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे जंगल में, तो ये चलते हैं फटाफट घर की ओर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो फाइनली गाइस अब मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, अपने बेड पे आ चुका हूँ। तो पहली बार यार इतनी रात तक है जो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, 12 बजने वाले हैं, तो अभी मुझे एक दो स्क्रिप्ट जो है वो एडिट करने को है, बाकी मैंने ब्लॉग एडिट कर लिया है। तो अभी मैं घर में आ चुका हूँ। तो ब्लॉग कैसा लगा आपको यार, ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा था, और ज़्यादा से ज़्यादा यार वीडियो को शेयर कर देना और दिल से सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।